करना है। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे को परिस्थिति आई, परिस्थिति आई तो मैं इस सिस्टम को नहीं चला पाया, प्रेस हो गया, कोई बात नहीं, तैयार बैठा हूँ। पता नहीं किसने क्या क्या आस लगा रखी होगी, पता नहीं किसने कितना पैसा यहाँ दिया होगा, ठीक है। तो उनको मैं एक रुपया भी, अगर मैं बाबा नीम करोली का नाम लेके बोलता हूँ, एक रुपया भी अगर मेरे पास में किसी का अनऑथराइज रहता है तो सारा बाबा मेरे साथ में ना रहे। अब इससे बड़ा मैं और कुछ ही नहीं कह सकता, ठीक है ना साहब। उसके बाद बाकी सबको आराम से एक बार शक्ल कर लेना, जिनका उनको लीडरों को बता देना, अपना हिसाब बना के तैयार रखें, अपने नीचे जो काम करने वाले हैं उनका हिसाब बना के तैयार रखें कि मैंने इतने दिए, इतने बच गए और ये मेरे आगे, ताकि अपने को हिसाब करने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है ना साहब। मैं उनको नीचे वालों को भी बता दे और रोबिन को भी बता दे। हेलो, हाँ जी साहब, हाँ जी, ठीक है। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि अपने नीचे काम करने वाले हैं उनको बताना कि अपने नीचे वाली टीमों का हिसाब बना के रखें, क्योंकि कोई कहीं बैठा, कोई कहीं बैठा बेचारा, उनको तो हिसाब आप लोगों को ही लेना पड़ेगा या लीडरों को लेना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप इस सिस्टम को देखना है ना, ठीक है साहब। जैसे टाइम मिलता रहेगा ये साहब पे होली के बाद में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, अगर माहौल ठीक रहा तो। कल परसों मेरे घर में दादा जाके दो तीन दिन धरना दिया, सारे फौजियों ने धरना दिया, मजबूर तो हो गए, लेकिन मुझे तो टाइम देते ने कि भाई साहब तेरे को टाइम दिया मैंने 15 दिन 20 दिन, बहन चो तीसरे दिन तो गोपाल टूटवाल जैसा मेरे घर में जाके धरना दिया, मैंने स्टार्ट कर दिया। देखो साहब, पांचवे दिन भाई यार, हाँ जी हाँ जी, थोड़ा सा इनको एक बार देखना, बाकी मैं अपना देख लूंगा, ठीक है ना साहब। अम्बाड़ा की तरफ से आज तक देखो कोई भी हमने जैसा आपने बताया वैसे काम किया। जी एक बात बताऊं, FIR करवा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने का, साला FIR करवाएगा मैं कोर्ट में लड़ूंगा उस आदमी से, पैसा नहीं दूंगा कोर्ट में लड़ूंगा, लेकिन जो बेचारे बिना मतलब आप जैसे भरोसेमंद बैठे हैं यार साहब आपके ऊपर बैठे हैं, उन लोगों को मैं थोड़ी खाऊंगा, उन लोगों का पहले करूंगा मैं, जितनी भी FIR है कोशिश करूंगा कि मैं करूंगा ही नहीं उनका हिसाब, कोर्ट में चलता रहेगा, चलने तो सारा, ठीक है। लेकिन जो ईमानदार बैठे हैं 90-95% लोग बैठे हैं वेट कर रहे हैं, 5% चूती आदमी है, उनकी वजह से मैं थोड़ी मच्छा 95 को मारूंगा। हाँ जी हाँ जी, तो ये चीज है, आराम से एक बार आपके जो भी टच में है उनको भी बताओ कि भाई साहब माहौल ठीक कर लो, थोड़ा ठंडा कर लो, ताकि वो भी आके मेरे को जेल में बैठाना है तो मैं कल आके बैठ जाऊंगा, अगर हिसाब कोई करता है तो कर लेगा, ठीक है। मैं तो अंदर बैठा रहूंगा, हो सकता है मेरा 5-7-10 दिन कूट लेंगे, उसके बाद में बैठा देंगे अंदर, हाँ भाई साहब बैठे आराम से, ठीक है। नहीं साहब, देखो 12 महीना बाद में, देखो हम भी आर्मी वाले हैं और आप भी आर्मी में, और इतना बड़ा कलंक, लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं कि कलंक लगा दिया सुभाष जी ने पूरी इंडियन आर्मी को। नहीं, उनको आप बोल सकते हो कि बहन चो तो वही आदमी एक ऐसा मिलेगा कलंक नहीं, वो आदमी तुम्हारा हिसाब करेगा, तुम्हारे को एक दिन याद रखोगे कि यार सुभाष ने एक्चुअल में हमारा हिसाब किया था, ठीक है, और इस धोलेरा प्रोजेक्ट के ऊपर हिसाब किया था, आज धोलेरा अपने आप में क्या बन रहा हो सबको पता है। हाँ जी हाँ जी, तो आप थोड़ा सा अपने नीचे काम करने वाले जो भी लीडर हैं उनको थोड़ा सा एक बार मैनेज करना है ना, जो भी आपके टच में उनसे बातचीत करना, कहते माहौल को ठंडा करो, सब ठंड ठीक कर देगा वो, ठीक है ना साहब। देखो आप, देखो विश्वास को विश्वास ही रखना, क्योंकि जनता मेरे को मार देगी। बात बताओ, अगर मुझे मेरे पर मुझे विश्वास नहीं होता, मेरे पर विश्वास, मैं आपसे बात ही नहीं करता। हाँ जी हाँ जी, ठीक। लेकिन ये चीज देखो ना कि मैं अपने आदमी से बात कर रहा हूँ कि भाई साहब तुम्हारे को नहीं मरने दूंगा, जिंदगी भर ऊंची गर्दन करके चलने दूंगा, ठीक है साहब। जनता तो मेरे घर पे आके फंसा तोड़ रही है मेरे को, खुद मारने के लिए मैं खुद छुपता फिर रहा हूँ लोगों से। नहीं नहीं, उनको बता दो, सबका कर दूंगा मैं, ठीक है ना, बाद में और कुछ अच्छे बात करूँगा आपसे, ठीक है। ओके साहब, ओके साहब, राम राम। लाइक बटन को एक साथ दबा दो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर डालो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लास्ट तक देखते रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स।